गोरखपुर जिले में मंगलवार को कोरोना के 18 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने करते हुए बताया कि अब जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 485 हो गई है। वहीं लखनऊ में भर्ती एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत भी हो गई है। अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव से मृत मरीजों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई है, जिसमें 306 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। 165 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इनमें सदर तहसील के लालडिग्गी में एक, मिर्जापुर में एक, बसंतपुर में एक और मौर्या टोला में एक और चरगावा के चिलवा ताल में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़हलगंज में 9 मरीज मिले हैं, जिनमें काली चौराहा एक, सुकुलपुरी में एक, महादेवा में एक, महुलिया पोयल में एक, तिवारीपुर में दो, बेलिया में दो और चिल्लूपार में एक तथा पाली के बड़गो में एक, कौड़ीराम के सुखना बेलीपार में दो, खजनी में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 485 हो गई है। इनमें से 306 ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि कोरोना से मृत मरीजों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई है। एक्टिव केस 165 है। वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों के बाद सभी चिन्हित जगहों को सील कर सैनिटाइजेशन का कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। सील किए गए जगहों पर आवश्यक वस्तुओं व खाद्य सामग्री को पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है।